अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाले की रेसिपी। ये बहुत ज़बरदस्त है और दो ही इसमें स्टेप जाते हैं। पहला है स्टेप चिकन मैरिनेशन, दूसरा है इसकी ग्रेवी। दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त टेस्टी डिलीशियस और रेसिपी बन जाती है। तो पहले हम इसकी तैयारी करेंगे मैरिनेशन। तो मैंने लिया है 1.5 kg चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये आप देख ही रहे होंगे। तो हम इसमें डालते हैं अब इसमें मसाले। 1 teaspoon ले रही हूं मैं लहसुन का पेस्ट। 1 teaspoon अदरक का पेस्ट। 1 tablespoon ले रही हूं मैं लेमन का रस यानी कि नींबू का रस। 1 teaspoon नमक। 1 teaspoon धनिया पाउडर। 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर। 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1/2 teaspoon गरम मसाला। 1 teaspoon जीरा पाउडर। 1/3 teaspoon ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। इसमें जाएगा 3 tablespoon दही। 1 teaspoon जो भी हमने मिलाए हैं सब आपको मैंने दिखाए हैं। और इसको आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे और फिर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी मैरिनेशन के लिए 30 minutes। जी अब मैं बताऊंगी उसका दूसरा स्टेप है ग्रेवी। तो ग्रेवी में हमारी क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। एक मैंने ली है बड़ी प्याज, उसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ है ये इस तरह से। इसमें हम लिया है मैंने चारकोल, तो ये हम लगाएंगे स्मोक। 2 medium size के मैंने टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने पीस लिया है। 1/3 cup ली है मैंने फुल फैट वाली क्रीम। गार्निश के लिए हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक लीजिए, देगी मिर्च कश्मीरी मिर्च, जीरा भुना हुआ, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ होममेड, मेथी कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। और जब हमारा मैरिनेशन के लिए जो हमने रखा हुआ है वो हो जाएगा तो उसके ऊपर हम डालेंगे इसमें चाट मसाला जो एक्स्ट्रा है, हम खाने के लिए भी ऊपर से डाल के खा सकते हैं। तो वो दिखाया मैंने आपको। तो ये हो गए ग्रेवी के मसाले जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं। तो चलिए आधा घंटा हो चुका है हमारे मैरिनेशन को चिकन के। अब मैं उसको फ्राई करके दिखाऊंगी आपको किस तरह होते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करें। जी अब देखिए आधा घंटा हो चुका है, ये मैरिनेशन हो चुका है बहुत अच्छे से। तो ये इस तरह से है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई हमें करना है। जी देखिए अब मैंने एक लिया है खुला पैन, 4 tablespoon मैं डाल रही हूँ उसमें ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम डालेंगे इसमें टिक्का। डालेंगे
मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है। ये अब देखिए चारों तरफ मैंने इसे लगा दिया है और मीडियम हाई फ्लेम कर दी है मैंने इसकी। और अभी हम इसे बिल्कुल टच नहीं करना, 7-8 मिनट तक इसे ऐसे ही कुक होते रहना। अब देखते हैं दूसरी साइड हमारा जो है कलर चेंज होना शुरू हुआ है इसके का। ये देखिए इस तरह का हमें कलर चाहिए। ये देखो अब हम इसे दूसरी साइड भी की तरह पलटेंगे ताकि दोनों साइड हमारे अच्छे से इसका कलर आए। इसे चिकन भी पानी छोड़ता है। अब हमें दूसरी साइड इसे ढक के थोड़ी देर पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए चिकन टिक्का। ये अब देखिए दोनों साइड बहुत जबरदस्त का कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरह आपको फ्राई करना है इसे। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ी सी इसमें से खाऊं, तो ये लिए है मैंने ग्रीन चटनी। अब हम इसे निकालेंगे। ऐसे ही आप किसी के भी आगे सर्व कर सकते हैं ये। अभी हम निकालेंगे टिक्का। कितना जबरदस्त लग रहा है टिक्का में। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से, थोड़ा सा गार्लिक धनिया हरा धनिया। और ये अभी हम टेस्ट करके आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सभी निकाल लिए हैं। इसी तरह मुझे सभी मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी शैलो फ्राई। सभी चिकन मैंने लगा दिया है। अब जो इसका मैरिनेशन का जो चिकन का मसाला था वो हम आप ग्रेवी में ऐड करेंगे जो मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो फिर हम इसे भी इसी तरह कर लेते हैं। अब मैं दूसरी साइड स्मोक की तैयारी कर रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल वही रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें खुशबू और वही आए। तो मैं आपको इसी तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से। तो मैं इस पर रख देती हूँ चारकोल। चारकोल हो चुका है हमारा, मैं इसके बीच में रख रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें ऑयल। इसको हम 7 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। अब हम इसमें ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। ये
ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं टिक्का हमारे। आप इसे इसी तरह भी खा सकते हैं, जो मैंने आपको खा के बताया वो जबरदस्त बिल्कुल परफेक्ट बने थे। इसी तरह मैं ये सब निकालूंगी। अब इसी पैन में हम डालेंगे जिसमें मैंने टिक्का बनाया था, यही पैन ले लेंगे। इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गोल्डन कलर हो चुका है प्याज का, हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसको भी हम चला लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर पीसे हुए जो ये मैंने पीसे थे। अब जाएगा इसके अंदर पीसे मसाले, तो इस तरह से है मीडियम मैं फ्लेम कर देती हूँ। भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। वन टीस्पून डालूंगी मैं ये कसूरी मेथी। अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। पांच मिनट के लिए हमें इसे छोड़ा था। जो बचा हुआ हमारा टिक्के का मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम ढक के कुक करेंगे करीब 20 मिनट तक, जब तक ये ऑयल ऊपर नहीं आता। जी अब देखिए मसाला बिल्कुल भून चुका है इस तरीके से। ऑयल इसने बिल्कुल छोड़ दिया है मसाले में। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। 1/3 कप मैं ले रही हूँ क्रीम। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। मिनट के लिए अब हम इसे कुक करेंगे क्रीम के साथ मसाले में। अब देखते हैं ग्रेवी किस तरह से है। देखिए माशाल्लाह इसमें ऑयल छोड़ दिया है।
अब हम इस स्टेज पर अब हम डाल देंगे ये अपना टिक्का जो हमने रेडी किया था। ग्रेवी आपको कितनी रखनी है वो आपके ऊपर है, थिक रखनी है या तो मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको अब हम चला लेंगे। कितना जबरदस्त लग रहा है, खाने में भी इतना ही उम्दा होगा ये। इसको भी हम 6-7 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे ताकि इसमें भी सब फ्लेवर चला जाए। जी आप देखते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखिए जबरदस्त क्या कलर आया है इसका माशाल्लाह, और खाने में भी उतना ही जबरदस्त होगा ये इंशाल्लाह। और देखिए कलर से लेके हर चीज, टिक्का तो मैंने इसका टेस्ट किया था बहुत ही डिलीशियस और जबरदस्त था। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, गैस को करती हूँ ऑफ। गार्निश के लिए अब हम डालेंगे हरा धनिया। जी अब देखिए माशाल्लाह चिकन टिक्का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं और एंजॉय करें। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।